ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का शुभ मंगल कल्याण हो। गणपति भगवान आप सभी का मंगल करें। इसी कामना के साथ चलिए जानते हैं घर की इस दिशा में भगवान प्रथम पूज्य गणपति भगवान की मूर्ति रखने से सोई किस्मत भी जागती है, धन भी आता है, विघ्न भी नाश होता है। तो गणपति भगवान किसी देवी देवता से पूर्व ही इनकी पूजा की जाती है। चाहे कोई व्रत हो, अनुष्ठान हो, कार्य हो, मंगल हो, तो सबसे पहले गणपति की ही पूजा की जाती है, नहीं तो उस कार्य में विघ्न आता है। तो चलिए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान गणपति को किस तरफ विराजमान कराया जाए। वास्तु शास्त्र में भगवान की मूर्ति का बड़ा महत्व बताया गया है, और अगर सही दिशा में उनकी मूर्ति हो तो सुख समृद्धि बरसती रहती है और गणपति भगवान अपने भक्तों का मंगल करते हैं। घर के दक्षिण दिशा में गणपति भगवान की मूर्ति को नहीं रखना चाहिए, और ऐसी जगह पर भी नहीं जहाँ कूड़ा कचरा, झाड़ू, टॉयलेट इत्यादि हो। भगवान गणेश की मूर्ति अगर आप गोबर और मिट्टी के बनाते हैं या खरीदते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। इससे गणपति भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसमें मूल रूप से वो निवास करते हैं। इसके साथ साथ जो लोग गणपति और लक्ष्मी को साथ जुड़ी हुई मूर्ति खरीदते हैं तो उनके पति नहीं है। हाँ, गणपति भगवान विघ्न विनाशक है, माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो आप अलग अलग मूर्ति रखें। इससे शुभ और मंगल फल की प्राप्ति होगी। गणेश लक्ष्मी की जुड़ी हुई मूर्ति नहीं लेनी चाहिए, अशुभ होता है, और अलग अलग मूर्ति लेना शुभ होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि होगी, मूर्ति रखने का पूर्ण लाभ मिलेगा।